भैया आ गया। अब आप सब बारी बारी से आइए और इस पर से भगवान राम का स्मरण करने से भगवान राम की लीला देखने से जितने आनंद की अनुभूति और जितनी आत्मा की तृप्ति
हम सब भारतवासियों की होती है, वो किसी और दूसरी बात से नहीं होती। मेरा ख्याल से इस बात से आप सब सहमत होंगे। इसलिए मैं भी कम से कम 55 साल से ज़्यादा समय से रामलीला देख रहा हूँ, हर साल आता हूँ, लेकिन हर बार पिछली बार से ज़्यादा आनंद आता है। भगवान राम भारतवासियों के लिए उनके हृदय हैं, उनके प्राण हैं, उनकी आत्मा है। वो पूरी मानव जाति के लिए आदर्श हैं, वो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम हैं, भगवान विष्णु के सातवें अवतार हैं। और आज तो पता नहीं क्या बात है कि सारी रामलीलाओं में देख रहा हूँ कि इतनी रौनक है, इतना उत्साह है कि उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। दिन भी बहुत पवित्र है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है, हमारे देश के एक भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री उनका भी जन्म दिवस है, और हमारे सबके हृदय के अंदर जो बसे हैं ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी से प्रेरणा लेकर जैसे 2014 में स्वच्छता का बड़ा अभियान शुरू किया था, आज उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को जड़ से समाप्त करने के लिए, समाज जीवन से पर्यावरण की रक्षा के लिए, और उसके साथ साथ हमारे महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनके जीवन के उच्चतम आदर्शों को उन्हें लोगों को स्मरण कराने के लिए, उनको उनके जीवन में उतरवाने के लिए आज से सारे देश में गांधी संकल्प यात्रा प्रारंभ कराई है, जिसमें कम से कम हमारे विचार परिवार के तो सारे लोग जुट गए हैं गांव गांव तक जाने में, और गांधी जी के जीवन के बारे में आज की नौजवान पीढ़ी को स्मरण कराने के लिए। मेरे लिए 2 अक्टूबर 2019 का दिन विशेष इसलिए है, आप सबके लिए भी थोड़ी देर में विशेष बन जाएगा, क्योंकि आज से ठीक 25 साल पहले 2 अक्टूबर 1994 को हम सब दिल्ली के लोगों ने संकल्प करके भारत से पोलियो मुक्ति के आंदोलन का जो सबसे पहला सफल कार्यक्रम किया था, 2 अक्टूबर 1994 को सारे दिल्ली वालों ने मिलकर हमारे को सपोर्ट किया था। एक साथ 12 लाख बच्चों को हमने दिल्ली में पोलियो की वैक्सीन दी थी, और उसके बाद वो कार्यक्रम पूरे भारत का कार्यक्रम बना था। आज उसकी 25वीं सिल्वर जुबली है 2 अक्टूबर 2019 को, और हमें इस सिल्वर जुबली के अवसर पर इसे रामलीला में आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत अब पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो चुका है। भारत ने अपना आखिरी पोलियोग्रस्त बच्चा 13 जनवरी 2011 को देखा था, और उसके बाद 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हमें पोलियो मुक्ति का सर्टिफिकेशन दिया, और अब हमें सिल्वर जुबली पे ये संकल्प कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर, और इसी तरीके से महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेकर कि आने वाले वर्षों के अंदर देश में कोई भी ऐसा बच्चा हम लोग नहीं रहने देंगे जिसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जितनी भी वैक्सीन है वो 100% बच्चों को कम से कम मिले, कोई बच्चा वंचित ना रहे। 2025 तक देश से हम पूरे देश से टीबी को जड़ से समाप्त करें, और इस सब काम के लिए हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए।